स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे। तो आज हम आए एक और हॉन्टेड लोकेशन, जो एक हॉन्टेड बावड़ी या भूतिया बावड़ी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ का किस्सा ऐसा है कि दो बच्चों की मौत हुई है यहाँ पे, वो भी दिन में। और दिन में भी आने से लोग यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि दिन में भी वैसी वैसी आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती है। और यहाँ के लोकल बंदे वो भी हमारे साथ में है, तो उनको लेके चल रहे हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने हमारे को इस जगह के लिए बताया है और वो साथ में आए। प्लस पॉइंट हमारा यही रहेगा, और साथ में आने के बाद हेल्प भी रहेगी उनकी हमारे लिए। और कैमरे पे बलवंत भाई है और साथ में टीम है पीछे, तो मिला देता हूँ मैं इनसे। ये बाबूजी है जो यहीं रहते हैं, और ये भैया हैं, तो ये भी यहीं के ही हैं, तो इनका काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। तो भैया आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, जो दिन में आप बता रहे थे मुझे? और ऐसे कोई भी जानवर चराने वाला दिन को ही भग जाते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। नहीं, जब इस लोकेशन पे अपन एंटर हुए थे वहाँ से, तभी से मैं देख रहा हूँ लोकेशन पे कि बहुत सारी हलचल हो रही है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रात को भी, दिन में भी कोई नहीं आता यहाँ। तो अपन रात में हैं, तो चलते हैं आगे। चलो भैया ना। हेलो, यहाँ से थोड़ा बहुत। बिल्कुल भैया, बाकी टीम मेंबर्स भी ध्यान रखना है, और सबके फोन का जीपीएस ऑन रखना। आ जाओ बोलूं भाई। बाकी यार ये जो जगह है, इतना मतलब बहुत अजीब सी है। आसपास में देख लो बलन भाई और सुन लो कैसी सी आवाज आ रही है। बलन भाई। हाँ भैया। भैया मेरे को जगह देख के डर लग रहा है यार। इस जगह के बारे में अपन दिल्ली भी आए थे, इनसे बात करी थी अपन ने। वो जो भैया है जो आगे चल रहे हमारे, इन्होंने ही बताया था हमें इस लोकेशन के बारे में। अब और कितना दूर है? थोड़ा सा ही है। आ जाओ दोस्तों, इस लोकेशन पे दिन में भी कोई नहीं आता। इस लोकेशन पे मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता देना। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना। यहाँ से तो हमारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ से आवाज़ आई थी। अब
जैसे जैसे उस जगह के नजदीक जाते जा रहे हैं ना, ऐसे आवाजें बढ़ती जा रही है। पेड़ से काटा निकलने यार मेरे। भैया देख कांटे बहुत ज्यादा हैं यार, ऐसी जगह यार। भाऊ जी उठना जरा, भयंकर लोकेशन है ये या काफी घना जंगल भी है पीछे की तरफ, इस तरफ शेर और चीते का आने का काफी डर रहता है। लोकेशन के पास में आ चुके हम, अभी से लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है। ये यही लोकेशन है क्या वो? ये भाई स्टूडियो बड़ी है ये। ये देखो ऐसे होता है बुलंद भाई, एक एक चीज को कैमरा में कैद करना है यहाँ पे। भैया ध्यान रखना अपना है ना, सबके फोन की लोकेशन चालू है और लोकेशन में जीपीएस ऑन रहे ना सबका। मतलब जंगल के बीच में है ये जगह। बाबूजी ने हमारे को ये जगह बताई थी कि यहाँ पे पेड़ है बावड़ी के पास में, उस पेड़ के पास में तो आ चुके हैं अपन। और ये पेड़ भी इतना पुराना है कि एक पत्ता नहीं है इसके ऊपर, एक भी पत्ता नहीं है। भैया कितना डरावना पेड़ है यार ये, एक भी पेड़ नहीं है। लो चलो, आवाज आपको सुनाई दे रही है आपको उधर से? भैया किसी के रोने की आवाज आ रही है यार, बच्चों के रोने की आवाज हो रही है।
लो भैया। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने माइंड में आने लगते हैं। भैया आवाज सुनाई दी आपको? भैया आवाज आ रही है? यही वाली बावड़ी है। हाँ, ये बहुत बावड़ी बोलते हैं। तो इसी बावड़ी का किस्सा है वो, जो यहाँ के गांव वालों ने और इन्हें हमें बताया। भैया ने बताई थी ये लोकेशन, तो मैं दिन में इनके पास आके बैठ के बात करके आया था और उनको बोला था मैंने कि शाम को आता हूँ मैं, शाम को चलते हैं अपन। तो इस टाइम पे ये हमारे साथ में आए। तो नकुल भाई अपना फ़ोन देना, मैं एक बार गूगल टाइम दिखा देता हूँ। मैं गूगल टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को। भैया पर कितने जंगलों के बीच में ये बावड़िया रहा। तो गूगल टाइम दिखा। तो मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको गूगल टाइम। गूगल टाइम इंडिया नाउ। नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है अभी 10:59। हो रही है अभी। आवाज आ रही भैया, और मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपने एक चीज पे गौर नहीं किया था, दिन में किसी ने वहाँ पे बताया था कि जो यहाँ पे दो बच्चे वो डूब के पानी में मरे थे, उनके लिए ये पत्थर जो दिख रहा आपको, वो बनाए हुए समाधि, वो यहीं पे है उनकी समाधि। ये है वो पत्थर, ध्यान रखना थोड़ा ना, इस पत्थर पे कोई पैर ना रखे। तो अपन इस बावड़ी के अंदर देख दिखा सकते हैं। ये बहुत बावड़ी बोलते हैं। पानी है अभी, पानी है भैया अभी भी। जंगल के बीच में है जगह। पास में चलते भैया, आज कोशिश करते हैं देखने की। अभी भी इस बावड़ी के अंदर पानी है। भैया आवाज आई यार, भैया मैं बोलता हूँ यहाँ पे ज्यादा रुकना सेफ नहीं है, यहाँ चलने में फायदा है। लो फोन ले लो भैया, मैं जेब में डाल देता हूँ। पानी भरा है इसमें। भैया इधर आ जाओ, उधर रुकना ज्यादा ठीक नहीं है। यार किसने खींचने की कोशिश की अंदर की तरफ, चलते इसमें आ जाओ। क्या हो?
अंदर खींचने की कोशिश की। रोने की आवाज आ रही है इसके अंदर से, बहुत भयानक है भैया। लो भैया यहाँ पे चलना ठीक रहेगा, यहाँ से ला जाओ भैया, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। तो बाबू जी चले यहाँ से, आजाओ चलते हैं। यार मतलब मैं अभी वहाँ बैठा था ना, जैसे ही वापस आने की कोशिश की ना तो किसी ने खींचने की कोशिश की, वो मैंने भी देखा था। आजाओ चलते हैं यार, मैं किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ यहाँ पे। आजाओ भैया, पेड़ कितना डरावना है यार। आ जाओ चलते हैं यार, यार रुकने भैया चलो यार, मेरे को तो अजीब वो कुछ कुछ हरकत हो रही है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। भैया ओ भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ 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 पकड़। बाबूजी कहाँ, जल्दी आओ इधर। भाई पकड़ 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 इसको, बाबू जी पकड़ो इसको, मेरे पास कैमरा मैं नहीं पकड़ सकता। अरे पकड़ो पकड़ो, इधर से हादसा होता है हमेशा, इसको इसको खड़ा करके लेके चलो सूर्य भैया। अरे कोई खींचता है इधर आदमी, अरे भावड़े के अंदर खींचता है, दिन में खींचता है। लो भैया इधर लेकर आओ, इधर इधर से आओ, इधर इधर आओ सूर्य भाई, इधर से चलो सूर्य भाई, अपना आपको संभाल। पानी भी नहीं लेकर आया पूरा। सूर्य भाई अब ठीक हो? इधर से नहीं आगे इधर हाल चेक रहो। एक मिनट बोल रहा था पहले, आप समझते तो हो नहीं। इधर से रास्ता इधर आओ, इधर सूर्य भाई आवाज है। ये ऐसे ऐसे जंगल में ऐसे ऐसे रहते हैं, ये करते हैं सब कुछ। यही तो था वो जो आपको परेशान कर रहा था। आपको परेशान करने वाला यही तो था भैया। क्या हो गया था यार आपको, हमने देखा मेरे को बाबूजी जल्दी जल्दी चलो, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे। वो देखो वो जल्दी चलो, थोड़ा पैर उठा के चलो थोड़ा, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है ठीक है, टाइम 12 बजने वाले है ठीक है। करता हूँ थोड़ा चलने दो अभी। आवाज आ रही है, चलो थोड़ा जल्दी चलो, भागो थोड़ा भाग के चलो, भागो यहाँ से।